दोस्तों, अगर आप लोग पार्ट 1 के छात्र हैं और आपका सेशन 2020 से 23 है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला नंबर जानिए, आप लोग का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और आप में से काफ़ी ही सारे छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे कि प्रैक्टिकल की परीक्षा कब से होगी, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखें, प्रैक्टिकल परीक्षा कितने नंबर का होगा और किस सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। इसी के बारे में आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो इसका सलूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दिस 3 इजी स्टेप। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करें। इसके बाद अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या टाइप करें और सबमिट करें। फिलो आपको 60 सेकेंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। इस ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाके डाउनलोड कर ले। तो सबसे पहले नंबर, सभी छात्र ध्यान दीजिए, कौन कौन सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल होता है ये समझ लीजिए। सबसे पहला नंबर साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, म्यूजिक और होम साइंस, फिजिक्स, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। जो भी छात्र ये ऑनर्स ले रखे होंगे तो उन छात्रों के ऑनर्स में ये सब्जेक्ट का आप लोग को प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, या जिन छात्रों का ये सब्सिडरी पेपर होगा उन छात्रों को ये प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो चलिए आइए जानते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ समझाते हैं। तो आप लोगों को समझाने के लिए एक स्टूडेंट का मार्कशीट लेके आया हूँ जिससे आप लोग आसानी से समझ पाइएगा। सबसे पहला नंबर, इस मार्कशीट में देखिए आप लोग, ये ऑनर्स है फिजिक्स ऑनर्स का। ध्यान दीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस सब्जेक्ट में अगर आपका पेपर नंबर 1 और 2 जो था उसमें अगर 75 नंबर का आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम लिया गया होगा तो उसमें आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। पेपर नंबर 1 और 2 में, दोनों में होगा। और प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो 25-25 नंबर के लिया जाएगा, यानी टोटल दोनों सब्जेक्ट में पेपर 1 और पेपर 2 में मिला के 50 नंबर हुआ। इसमें से आपको पास करने के लिए 23 नंबर लाना ज़रूरी है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए आइए नीचे सब्सिडरी पेपर में चलिए। जिन छात्रों का सब्सिडरी पेपर, जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आप लोग को हमने बताया है पीछे कि आप लोग का कौन कौन पेपर में सब्सिडरी में आप लोग का प्रैक्टिकल होता है, ये आए हैं, इससे पीछे आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे थ्योरी लिया गया था 75 नंबर का, जो आप लोग का इस बार OMR सीट पे लिया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 नंबर का, इसमें भी प्रैक्टिकल पूछा गया है जिसमें से आपको पास करने के लिए कम से कम 10 नंबर लाना पड़ता है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। और मैथमेटिक्स जो होता है इसमें थ्योरी लिया जाता है लेकिन दोस्तों इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है, भाईवा होता है कुछ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल या मौखिक वो कौन कौन से सब्जेक्ट में लिया जाता है। रसायन शास्त्र, भौतिकी, जंतु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, गणित और इसके बाद भूगोल, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और प्राचीन भारतीय इतिहास और संगीत एवं नाट्यशास्त्र। ये जो सब्जेक्ट हैं ये सभी में आप लोग का सब्सिडरी पेपर में आप लोग का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम लिया जाता है। और आप लोग का ऑनर्स पेपर में भी प्रैक्टिकल होता है, उसमें भी आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ता है। इसके लिए आप लोग को होम सेंटर इस बार बनाया जाएगा और इसकी जो तिथि है कुछ दिनों बाद आप लोग को जारी कर दिया जाएगा। यानी आप लोग का जो भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, अगर आप पार्ट 1 के छात्र हैं या पार्ट 3 का, तो दोस्तों पहले पार्ट 3 वाले छात्रों का लिया जाएगा प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, इसके बाद पार्ट 1 वाले भी छात्रों का लिया जाएगा। उम्मीद रखें कि आप लोग को 20 सितंबर के बाद आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको कॉपी लिखना पड़ता है और कॉपी कहाँ मिलेगा, तो आपको मार्केट में मिल जाएगा, जहाँ पे दोस्तों आप लोग को कॉपी और साथ ही आप लोग का बुक दोनों मिल जाता है प्रैक्टिकल का, वहाँ से लीजिए। कॉपी और बुक लिखने के बाद आपको वहाँ से जब आप लोग कॉलेज लेके जाते हैं तो आपको 25 में से 10 नंबर आपको कॉपी लिखने पर मिल जाता है, अगर सही राइटिंग है। इसके बाद आपको कॉलेज में जाते वक्त आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जो लिखित होता है, उसका सही जवाब दीजिए। इसके बाद 5 नंबर का मौखिक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका भी जवाब दीजिए। इसके अनुसार आपको कॉलेज जो भी वो नंबर देना चाहेगा 25 में से वो आपको दे देगा। इस प्रकार से आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। वैसे दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।